ଏହି ଗାଁରେ ରୁହନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଜାତିର ଲୋକେ। ଏଠାରେ ଥିବା ଏକ ଦୁର୍ଗରେ ସୁନାପତା ହୋଇଥିବାର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। କୌଣସି ଘରେ ପଡ଼େନି ତାଲା। ଏହି ଗାଁରେ ରୁହନ୍ତି କେବଳ କୁଶୁଆ ସମାଜର ଲୋକ। ଅନ୍ୟ ସମାଜର ଲୋକ ଏଠାରେ ରହିପାରିନଥାନ୍ତି। ଆଉ ଯିଏ ବି ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହ ଘଟେ ଅଘଟଣ। ଗୋଟିଏ ରାତି ବି ରହିବା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହୋଇପଡ଼େ। ଏମିତି ଏକ ଗାଁ ହେଉଛି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଛତରପୁରର ଖଟୁଲା ଗାଁ। ଏହି ଗାଁ ଏକ ମଫସଲ ଗାଁ, ଯେଉଁଠି 500 ବର୍ଷ ହେବ ରହୁଛନ୍ତି କେବଳ କୁଶୁଆ ସମାଜର ଲୋକ। ଖୁବ୍ ସାଧାରଣ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନଯାପନ ଶୈଳୀ। ଏମିତିକି ଶୁଣିବାକୁ ମଧ୍ୟ ମିଳେ କି ଏହି ଗାଁରେ ସୁନାପତା ହୋଇ ରହିଛି ଏବଂ ଏହି ସୁନାର ସନ୍ଧାନରେ ଅନେକ ଲୋକ ଏଠାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ବହୁତ ପୁରାଣ ଇତିହାସ, ରାଜା ସୁରତ ସାହେ କି ସମୟ କା ଇତିହାସ। ଏହା ପେ वहाँ पे उस समय से कहा जाता है कि यहाँ कंचन वर्षा हुई, स्वर्ण वर्षा हुई है सवा पहाड़। और उसके बाद यहाँ पे कुशवाहा ही समाज रहती है, इसके अलावा कोई समाज यहाँ पे रह नहीं पाती है। काफ़ी लोगों ने प्रयास किया लेकिन उनके साथ कुछ ना कुछ घटना घटी हैं। इसके बाद से यहाँ पे अन्य समाज कोई नहीं रह पाया, केवल कुशवाहा समाज यहाँ पे निवास कर रहे हैं। हाँ, ऐसा सुना है कि काफ़ी बार ऐसे अन्य समाज के लोगों का आने का प्रयास भी किया है लेकिन वो रुक नहीं पाए हैं। रात्रि विश्राम उनके लिए बहुत ही मुश्किल पड़ जाता है यहाँ पे किसी ना किसी प्रकार से, और घटनाओं का सामना उन्हें करना पड़ता है। हाँ, ऐसा हुआ है कि उस समय में कुछ लोग आए हैं, लूटने का प्रयास किया है तो, लेकिन यहाँ पे बंदूक चली नहीं है, अपने आप वहाँ पे ऐसे ही खराब हो गई, उनकी बंदूक चल नहीं पाए है आगे। एक गाँव रे कोनोसी घरे ताला मध्य लागी न थाए एवं जो मने एठाकु लूट करिबाकु आसी थांती किंबा लूट करिबाकु बंदूक देखाई डरेइबा आरंभ करि थांती सेतेबेले तांको बंदूक आपे आपे खराब होई जाए। ए गाँव लोकमाने कहंती एहि गाँव रे रहिछि देवी को कृपा, जे कारणरु एठाकर लोकमानकर कोनोसी असुविधा होइ नथाय। ए गाँव रे एक दुर्गरे सुनापोता होइतिबार विश्वास रहिछि, तबे हा पछरे रहिछि एक कहानी। 15वीं शताब्दी में जब अकबर मुगल सम्राट था यहाँ पर, तो उसने रानी दुर्गावती के ऊपर हमला किया था 1664 के आसपास, और 1564 के आसपास उसने हमला किया था। और उस समय वो करीब 100 हंडे सोने की मोहरें और 1000 हाथी तथा काफ़ी रत्न वगैरह जो है यहाँ से लूट करके ले गया था। तो उस वक्त से फिर क्या हुआ कि जब ये हमले होने लगे तो लोगों ने अपना धन जो है कभी मड़ियों के नीचे, कहीं बेर बावली में छिपाना शुरू कर दिया था बीजक के साथ। तो इस प्रकार से ये बीजक के साथ जो धन छिपाया हुआ उसके बारे में लोगों का मानना है कि आज भी वो धन गड़ा हुआ है। एक गाँव रे रहिबाकु तथा पोता होइतिबा सुना खोलिबाकु अनेक लोक चेष्टा करिथांती हेले दैव शक्ति जोगु एहा संभव होइ परिनथाय। कोनोसी अन्य जातिर लोक एठारे रहिबाकु चेष्टा कले अनेक असुविधार सम्मुखीन होइथांती। ब्युरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज़।